स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स का साइंस का चैप्टर सेवन, गेटिंग टू नो प्लांट्स। सो स्टार्ट करते हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल। आप सराउंडिंग्स में जाएंगे बाहर तो आप देखेंगे कुछ प्लांट्स बहुत स्मॉल हैं, कुछ प्लांट्स बहुत बिग हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ग्राउंड तक ही हैं। सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ प्लांट्स के पास ग्रीन लीव्स हैं और कुछ की रेडिश हैं। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स वाइल सम हैव टाइनी ब्लू वंस वाइल सम हैव नन। कुछ के पास देखेंगे हम बड़े ह्यूज फ्लावर्स हैं, रेड फ्लावर्स हैं, कुछ के पास छोटे हैं और कुछ के पास नहीं हैं। सो प्लांट्स की डिफरेंट वेराइटी हमें सराउंडिंग्स में देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज क्या होते हैं। हर्ब क्या होता है? हमारा प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उन्हें तीन पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्ब्स क्या होते हैं। प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। प्लांट जिनकी ग्रीन और सॉफ्ट स्टेम होती है उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव ब्रांचेस। ये जनरली छोटे होते हैं और इनके ब्रांचेस नहीं होती हैं। शर्ब्स क्या होते हैं? स्मॉल प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। शर्ब्स क्या होते हैं? ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं, इनमें ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं बेस में। ये हार्ड होते हैं बट बहुत ही थिक नहीं होते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है हर्ब, इस तरह से हर्ब्स होते हैं। ये छोटे प्लांट्स होते हैं, टेंडर स्टेम्स होते हैं। शर्ब्स ये होते हैं, इनमें स्टेम जो होती है वो हार्ड होती है, बहुत ही थिक नहीं होती, थोड़ी सी हार्ड होती है और इसमें बेस पे ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं। ट्री क्या होते हैं? लार्ज प्लांट्स होते हैं, हार्ड स्टेम होती है और इसमें लार्ज ब्रांच प्रेजेंट होती है, बेस पे नहीं, ऊपर के साइड में, अबव पोर्शन में। ठीक है, सो तीन पार्ट्स में डिवाइड था, हर्ब, शर्ब्स और ट्री। अब हम पढ़ेंगे क्रीपर्स और क्लाइंबर्स क्या होते हैं। क्रीपर्स प्लांट्स विद वीक स्टेम एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट। प्लांट्स जिनकी वीक स्टेम होती हैं, जो सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं, ग्राउंड में ही फैले हुए होते हैं, उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है क्रीपर का प्लांट, पम्पकिन जैसे ग्राउंड में पूरा फैला हुआ है। एंड क्लाइंबर्स दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड एज क्लाइंबर्स। जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो सपोर्ट लेके, कोई सपोर्ट मिल जाए तो वो क्लाइंब कर जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को क्लाइंबर्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है मनी प्लांट्स। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है स्टेम, स्टेम के लिए वी वुड रिक्वायर, इसके लिए हमें ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, ब्लूइंग चाहिए और एक स्टेम चाहिए, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, ग्लास लेंगे, इसमें वाटर फिल करेंगे इस लेवल तक, उसके बाद उसमें हम कुछ अमाउंट इंक डालेंगे, मींस इसमें रेड कलर की इंक डाली गई है। इंक डालने के बाद स्टेम को हम उसमें डिप करके रख देंगे। डिप करने के बाद 48 आवर्स या 24 आवर्स के बाद हम उसमें क्या देखेंगे, जब हम स्टेम को वापस निकालते हैं इसमें से तो हम क्या देखेंगे, स्टेम को जब हम कट करेंगे तो हम देखेंगे ऑरेंज कलर की उसमें पैचेस हमें दिखते हैं। यह स्टेम हमें ऑरेंज कलर की दिखने लगती है, इसका मतलब स्टेम में वाटर का कंडक्शन होने लगता है। यहाँ पे पढ़ेंगे लीफ के बारे में। द पार्ट ऑफ लीफ ऑफ सम प्लांट्स, लीव्स आपने देखी होंगी प्लांट्स में। अब हम लीव्स के पार्ट के बारे में देखेंगे। द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पिटियोल। ये हमारा स्टेम है, ये हमारी लीफ है। लीफ स्टेम से अटैच होती है पेटियोल के थ्रू। तो पेटियोल क्या है? द पार्ट ऑफ लीफ विच हेल्प इट टू अटैच विद द स्टेम, इसको हम पेटियोल बोलते हैं। और द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, और ये जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट है इसको हम बोलते हैं लैमिना। अब हम लीव्स में देखेंगे वेन्स, मिडरिफ, लीफ वेनेशन। द लाइन्स लीफ में जो हमें डिफरेंट लाइन्स दिखती हैं, इस तरह से यहाँ छोटी छोटी लाइन्स दिखती हैं, इसको हम बोलते हैं वेन्स। ये जो लीफ में वेन्स प्रेजेंट होती है, हमने देखा होगा लीफ में एक सिंगल लाइन गई हुई होती है, इसको हम बोलते हैं मिडरिप। और ये जो डिफरेंट लाइन्स गई हुई होती हैं इसको हम बोलते हैं वेन्स।
सो द डिज़ाइन मेड बाई वेन्स, लीफ में जो वेन्स प्रेजेंट होती हैं उनके डिज़ाइन के बेसिस पे लीफ वेन को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है लीफ वेनेशन के बेसिस पे, रेटिकुलेट और पैलर वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे, मैंने बताया ये बीच में जो लाइन होती है इसको मिडरिब बोलते हैं और इसको वेन्स बोलते हैं। इस वेन्स के डिज़ाइन बेसिस पे हम लीफ को डिवाइड करते हैं रेटिकुलेट वेनेशन और पैलर वेनेशन में। तो पैलर वेनेशन क्या होता है, जो हमारी ये मिडरिब गई होती है, मिडरिब के स्ट्रेट अगर ये वेन्स स्ट्रेट गई हुई होती हैं तो इनको हम पैलर बोलते हैं। ये मिडरिब गई है सीधी और सारी वेन्स भी स्ट्रेट गई हैं, तो इस टाइप के वेनेशन को हम बोलते हैं पैलर वेनेशन। और रेटिकुलेट में क्या होता है, ये मिडरिब है, मिडरिब से स्ट्रेट ना जाके वेन्स जो होती हैं नेटवर्क फॉर्मेशन करती हैं, इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के बारे में। एक एक्टिविटी है, यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर प्लांट। एक हेल्दी हमें प्लांट लेना है जो कि सन में ग्रो कर रहा है अच्छे से। इनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन कवर एंड टिप अप, टाई अप इट्स माउथ। इस तरह से लीफ के माउथ को एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग कवर से हमें टाइटली पैक कर देना। आफ्टर फ्यू आवर्स, हम कुछ घंटों बाद क्या देखेंगे, इस पॉली बैग पॉलीथीन को खोलना है और ऊपर ऑब्जर्व करना है। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। हमें इस लीफ के लीफ को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें वाटर के ड्रॉपलेट्स मिलेंगे। तो वाटर कम्स आउट फ्रॉम लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। हम क्या देखेंगे, लीफ से वाटर हमें पॉलीथीन शीट पे मिलता है, इट मींस वाटर कम्स आउट फ्रॉम द लीव्स। सो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, जिसमें प्लांट से वाटर का लॉस होता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इन चैप्टर टू वी सॉ दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। पोटैटो गेट्स दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। पोटैटो में जो स्टार्च प्रेजेंट था, जो हमने चैप्टर टू में एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट था वो लीव से उनको मिलता है और वो पोटैटो में स्टोर होता है। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड, लीव्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ग्रीन कलर्ड फोटो जो पिगमेंट उनमें प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसेंसिस। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन इज गिवन आउट, इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं प्लांट्स। सो फोटोसेंसिस प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रूट के बारे में। एक एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, व्हाट यू वुड रिक्वायर टू पॉट्स। इस एक्टिविटी के आपको दो पॉट्स की ज़रूरत है, सम सॉयल और खुरपी। खुरपी आपने देखा होगा डिगिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम खुरपी बोलते हैं। एक हमें ब्लेड चाहिए होगी या फिर सीजर और वाटर। सेलेक्ट टू प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, दो प्लांट्स लेना है सेम काइंड के, एक ही तरीके के। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, उन्हें ऐसे लेना है कि ध्यान रहे उनकी रूट्स ब्रेक नहीं होनी चाहिए। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, प्लांट वन ऑफ देम इन अ पॉट ए। पॉट में हमने जो प्लांट डाला है उसमें रूट के साथ हमें प्लांट डालना है, और पॉट बी में जो हम प्लांट डालेंगे उसमें से रूट सारी हटा के उसके बाद उसको हम डालेंगे। जैसा कि यहाँ दिखाया गया डायग्राम में, ए पॉट में प्लांट्स हैं रूट के साथ और बी पॉट में प्लांट्स में रूट नहीं है। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अब इन प्लांट्स को डेली वाटर करना है। बोथ द प्लांट्स आर वाटर, जो दोनों प्लांट्स हैं उन दोनों प्लांट्स को हमें डेली वाटर देना है। इसमें हमें क्या दिखता है, जो रूट वाला प्लांट है वो ग्रो कर जाएगा और जिस पॉट में, पॉट बी में जिसमें रूट नहीं है वो प्लांट डेड हो जाएगा। सो रूट बेसिक है जो प्लांट को ग्रो या सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, जो सॉयल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे देखा है यंग प्लांट्स, घर पे देखा होगा जो चने के सीड्स होते हैं उनमें से ये स्प्राउटिंग निकल आती हैं, ऐसे जो वाइट ये फाइबर्स दिखने लगते हैं वाटर में हम डिप करके रखते हैं, इनको हम बोलते हैं स्प्राउटिंग। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मेनी प्लांट्स आर ग्रोइंग, डिग अ फ्यू
वॉश द सोयल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम, डू यू फाइंड ऑल ऑफ देम हैव आइदर सेम काइंड ऑफ रूट। अब यहाँ पे हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। रूट्स दो टाइप की होती हैं। इस एक्टिविटी में बोला गया है कि आप सोयल में जाइए या किसी ग्राउंड में जाइए, वहाँ से प्लांट्स, दो डिफरेंट प्लांट्स को उनके रूट के साथ उन्हें निकालना है। निकालने के बाद उनकी रूट को वॉश करिए। आपको ऑब्जर्व क्या करना है कि क्या रूट्स सेम टाइप की प्रेजेंट है दोनों प्लांट में। आप क्या देखेंगे, रूट डिफरेंट टाइप्स की प्रेजेंट होती हैं। दो टाइप की रूट होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होते हैं, टैप रूट में मेन सिर्फ एक मेन रूट प्रेजेंट होती है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये टैप रूट है, एक मेन रूट प्रेजेंट है, और ये जो साइड साइड में रूट निकले हुए हैं इनको हम बोलते हैं लेटरल रूट। फाइब्रस रूट में क्या होता है, इनमें कोई मेन रूट नहीं होती है। ऑल द रूट्स आर सीम सिमिलर, इसमें सारे रूट्स फैली हुई होती हैं और एक जैसी दिखती हैं, इसमें कोई भी सिंगल मेन रूट नहीं होती है। तो रूट हमारी दो टाइप की होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में। यू आर शोन थ्री ब्रांचेस ऑफ अ रोज, यहाँ पे आपको रोज की तीन ब्रांचेस दी हुई हैं। आइडेंटिफाई करना है ये लीफलेस ब्रांच है, इसमें कोई लीफ नहीं है, इसमें सिर्फ लीफ है, और इस ब्रांच में स्टेम के साथ लीफ और फ्लावर दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं। विच कलर डिड यू यूज़ द फ्लावर, आपको इस डायग्राम में कौन सा कलर का फ्लावर दिख रहा है। क्या आप ग्रास, वीट, मेज़, मैंगो, गुआवा, इन डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स के फ्लावर्स देखे हैं आपने। सारे फ्लावर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली, एक फिगर यहाँ पे 7.20, इसको ध्यान से देखना है। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर, ओपन फ्लावर का जो प्रोमिनेंट पार्ट है, ये ओपन फ्लावर के जो लीव्स हैं, पत्तियाँ हैं, इनको हम देखेंगे, इनको हम पेटल्स बोलते हैं। फ्लावर में जो ओपन पार्ट होता है, ये इसमें जो पार्ट ओपन होने वाला है, इसमें ओपन हो चुका है, इसको हम बोलते हैं पेटल्स। और सेपल्स क्या होते हैं, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारे जो भी हमारा ओपन पार्ट है पेटल्स है, उनको बेस प्रोवाइड करते हैं। जब वो बड फॉर्म में होते हैं तो इनको ये प्रोटेक्ट करते हैं, और जब ये ओपन हो जाते हैं तो ये बेस फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम बोलते हैं सेपल्स। सो फ्लावर के मेनली दो पार्ट थे, सेपल्स और पेटल्स। अब हम फ्लावर के इनर पार्ट को देखने के लिए उनको कट करेंगे और ओपन करेंगे। इफ़ द पेटल्स आर जॉइन, फॉर एग्जाम्पल एक फ्लावर है धतूरा, जिसमें पेटल्स ज्वाइन होते हैं, बेल शेप में होते हैं, द पेटल हैव, उसको हम लेंथ वाइज कस कर कट करते हैं और स्प्रेड करते हैं। अब हम क्या देखेंगे, फ्लावर्स में स्टेमन और पिस्टल को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे हम डायग्राम ध्यान से देखेंगे। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये एक बेल शेप फ्लावर था, इसको हमने बीच से इस तरह से ऐसे कट करा है। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारा स्टेमन था, ये जो हमें क्रीम कलर के दिख रहा है ये पोर्शन, ये हमारा स्टेमन है। ये एंथर्स है हमारे, जो बेल शेप में हमें दिख रहे हैं येलो कलर में, एंथर्स है। और ये पिस्टल है, पिस्टल फीमेल पार्ट होता है। यहाँ पे स्टेमन के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टेमन में ये है एंथर हमें दिखता है, और ये फिलामेंट। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। स्टेमन हमारा मेल पार्ट होता है। द इनर मोस्ट पार्ट इज़ द पिस्टल, पिस्टल इनर मोस्ट पार्ट होता है। पिस्टल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, और ये ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो स्टेमन मेल पार्ट था, इसके दो पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। पिस्टल फीमेल पार्ट है, इसके तीन पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब हम ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे ओवरी को कट द ओवरी इनटू टू डिफरेंट वेज, दो तरीके से कट करना है। एक इस तरह से कट करना है, इस तरह से जैसे दिखाया गया स्ट्रेट कट, और एक को इस तरह से कट करना है। तो हम क्या देखेंगे, हमें छोटे छोटे ओव्यूल्स दिखते हैं ओवरी के अंदर, एक लॉन्गिट्यूडनल कट करना और एक ट्रांसवर्ट कट करना है। सो हमें ओव्यूल्स दिखने लगते हैं, स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, जिनको हम ओव्यूल्स बोलते हैं। Do all the flowers have sepals, petals and stamen pistil? क्या सारे flowers के पास स्टेबल, sepal, petal, stamen और pistils होते हैं? आपको different flowers observe करने हैं, और उसमें check करिए क्या ये सारे parts flowers के present हैं।
डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन इज़ डिफरेंट? क्या आपको ऐसा कोई फ्लावर मिलता है जिसमें स्टेमन और पेटल्स का नंबर डिफरेंट होता है? डू यू नो एग्री दैट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स इज नॉट ऑलवेज सेम? आप क्या देखेंगे कि सारे फ्लावर्स का स्ट्रक्चर हमेशा सेम नहीं होता है? सेपल, पेस्टल, स्टेमन और पिस्टल जो हैं, इनका नंबर्स फ्लावर्स के बेसिस पर डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट डिफरेंट नंबर भी हो सकते हैं। सो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज के बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ा, और साथ ही साथ हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में। हमने लीफ की वेनेशन पढ़ी, रेटिकुलेट वेनेशन पढ़ा, पैरेलल वेनेशन पढ़ा, रूट के बारे में पढ़ा, टैप रूट पढ़ा और फाइब्रस रूट पढ़ा। हमने मेल पार्ट स्टेमन के बारे में पढ़ा जिसके दो पार्ट थे, एंथर और फिलामेंट, और फीमेल पार्ट पिस्टल के बारे में पढ़ा जिसके तीन पार्ट थे, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू स्टूडेंट।